सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती मना रहा है राष्ट्र, और इस मौके पर पटेल चौक पर वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज देश इस दिवस को मना रहा है। हमारे आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने न केवल पूरे देश को भू राजनीतिक तौर पर एक किया बल्कि एकता का संदेश भी प्रचारित किया। अगर आज हमारा पूरा देश एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है तो उसकी नींव रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर ममता, और देश को एक करने के लिए जैसा कि आपने कहा 562 देशी रियासतों को एक करने के लिए जो उनके कार्य रहे वो निश्चित तौर पर याद किए जाते रहेंगे। और आज शायद जिस तरह से हम एक मजबूत भारत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जो एकता जो दिख रही है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। बारदोली आंदोलन के समय उन्हें सरदार का खिताब दिया था वहाँ की महिलाओं ने, और निश्चित तौर पर एक लौह पुरुष के तौर पर उभरे। लौह पुरुष थे, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है उन्हें। जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति में एकता और अखंडता को बल दिया वो काबिले तारीफ है। सम गच्छध्वं सम्वदध्वं।